हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरी एक रेडीमेड कुर्ती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा सेल्फ प्रिंट है। तो मैंने इसको अपने हिसाब से बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ हाईलाइट किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रही है। आज मैं आपको भी ये एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। तो इसको कैसे बनाना है, कैसे प्लेस करना है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने मिरर वर्क का इस्तेमाल किया है। जो मैंने ओया फ्लावर्स बनाए हैं उसके बीच में मैंने एक प्लास्टिक मिरर भी लगाया है। और बाकी स्टिचेस आप जैसा देख ही रहे हैं, लेजी डेजी स्टिच, फ्रेंच नॉट स्टिच और सिंपल रनिंग स्टिच मैंने किया है। जैसे जैसे मैं बनाऊंगी आपको बताती जाऊंगी कि मैं इसको कैसे वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले हम इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंकर के कलर्स देख लेते हैं जो मैंने इस शर्ट पे लगाए हैं। तो मेरे कुर्ती के हिसाब से मुझे यही कलर अच्छे लगे, आप अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें व्हाइट कलर यूज किया है, 0237 ग्रीन कलर है, 097 पिंक कलर है, 1089 ये फ्रोजी कलर है, और इसका मैंने एक शेड भी इस्तेमाल किया है जिसका नंबर 0433 है। ये प्लास्टो मिरर्स हैं, ये भी मार्केट में मिल जाते हैं, हमें इस साइज के चाहिए। फ्लावर्स बनाने के लिए हमें इस मिरर से थोड़ा सा छोटा पेन का साइज चाहिए ताकि हम इस पे रैप करके अपने फ्लावर्स बना सकें। हमें सीजर की जरूरत पड़ेगी, मैंने छोटा फ्रेम भी इस्तेमाल किया है, और मार्किंग चौक। मार्किंग चौक से हम निशान लगाएंगे सबसे पहले कि हमने कहां मोटिफ बनाना है। इस कुर्ती के हिसाब से तो इसमें सेल्फ प्रिंट है, तो मैंने इसमें जैसे ये एक लाइन है यहां से मैंने डिजाइन शुरू किया। ये देखिए इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जब मैंने इसको शुरू किया तो 1 2 3 4 यहां तक ये एक लाइन ड्रॉ की। ठीक इसी तरीके से मैं इधर 1 2 3 4 इस तरफ आई, तो ये एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने। और उसके बाद फिर से ऐसे ही मैंने जिगजैग बनाती चली कि यहां तक मुझे मोटिफ चाहिए। ठीक, और उसके बाद हम यहां पे एक फ्लावर बनाएंगे, जैसे कि मैंने ये लाइट फ्रोजी कलर का बनाया है, और उसके बाद एक को छोड़ के एक और फ्लावर बनाएंगे, ये डार्क फ्रोजी है और फिर लाइट फ्रोजी। ये मैं दो शेड लिए हैं इन फ्लावर्स के लिए। ऐसे ही मैं इस तरफ भी बनाती जाऊंगी, और ये जो बीच में हमारे चार फ्लावर्स बनते हैं इनको हम डिफरेंट कलर के साथ फ्लावर बना लेंगे और उनमें स्टेम्स भी बनाएंगे जैसे मैंने ये बनाई है। बहुत इजी मोटिफ है। अगर आपके पास प्लेन कुर्ती है तो आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस भी स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकती हैं, उससे भी ये मोटिफ बन जाएगा। उसमें भी आपने यूं ही सबसे पहले इधर, फिर इधर, फिर ऐसे एक मेजरमेंट ले लेनी है आपने स्केल के हिसाब से। इतना लंबा स्केल है, उसके मिडल में एक फ्लावर बनाना है, फिर इतना लंबा मेजरमेंट लेना है और उसके बीच में एक फ्लावर बनाना है। तो उसके बाद इस फ्लावर के बिल्कुल सामने आपने एक फ्लावर और उसके इक्वल डिस्टेंस पे एक और इसी तरीके से इसके आमने सामने भी ये इक्वल डिस्टेंस पे फ्लावर्स बनाने हैं। तो मोटिफ आपका बहुत इजी है, आसानी से बनाया जा सकता है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इन फ्लावर्स को कैसे बनाया है। फ्लावर बनाने के लिए मैंने इस नीडल में जिसमें 6 स्ट्रैंड्स आराम से आ सके, ये देखे बिग आई वाली नीडल है और आगे से शार्प है, ये अप्रोक्सीमेट 7 नंबर की या 6 नंबर की नीडल है, इसमें आराम से ये 6 स्ट्रैंड्स आ जाती हैं। अब हम इस पेन के चारों तरफ रैप्स लेंगे, 4 रैप्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4 रैप्स लेने के बाद यहां से ऐसे हम इसको थ्रेड को आगे करते हुए एक स्टिच ले लेंगे। एक स्टिच लेने के बाद हम इसको यूं निकाल लेंगे। जैसे हम मिरर के लिए रिंग बनाते हैं उसी स्टाइल से हमने रिंग बनाना है। अब इस रिंग में हमने 27 टाइम्स बटन होल स्टिच करना है। ये 2 हो गया हमारा, 3 4 इसी तरीके से काउंट करते हुए आपने थ्रेड को आगे रखना है और यूं बटन होल स्टिच करते हुए पूरी रिंग को कंप्लीट कर लेना है। इसको घुमाते रहें और यूं बटन होल स्टिच करते रहें।
काउंट करके करेंगे ताकि हमारी जो पेटल्स हैं, क्योंकि उसके बाद हमने इसके ऊपर 9 पेटल्स बनानी है, तो 3-3 स्टिचेस के गैप में हमने 9 पेटल्स बना लेनी है। ये हमारी 20 स्टिचेस हो गए हैं। अब 7 और लगेंगे। अब हम इस तरफ से ऐसे खींचेंगे ताकि हमारा ये जो रॉ एज है ये बीच में ही वीव हो जाए। ये देखिए, मैं ऐसे जब इसको आराम से इधर की तरफ लाऊंगी तो ये अपने आप बीच में चला जाएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो ये देखें, हमारी रिंग बन के कंप्लीट होगी। अब हम ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें से हम अपने नीडल को यूं आगे की तरफ लाके ऐसे स्टिच को बंद कर देंगे। तो जब जब हमारी पूरी रिंग बन जाएगी, अब हम इसके ऊपर ओया फ्लावर्स बनाएंगे। मैंने आपको ओया लेस बनानी सिखाई थी अभी कुछ दिन पहले, उसी लय पे हम इस पे अब जो है वो फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए हम यहां से पहले स्टिचेस काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3। थर्ड स्टिच में हम अपनी नीडल को ऐसे आर पार ले जाएंगे, थ्रेड को आगे रखेंगे यूं, ये देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और ये जो पीछे वाला हमारा थ्रेड है टेल का, इसको हम इसके ऊपर यूं क्लॉकवाइज रैप करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। यहां से मैंने कस के पकड़ा हुआ है क्योंकि मुझे ये जो लूप है इसको रेगुलेट करना है। ये देखें, मैं इसको आहिस्ता से खींचती हूं और ताकि मेरी ये जो लूप है ये इतनी बड़ी बने। मैं इसको यहां से पकड़े हुए हूं और इस थ्रेड को मैं आहिस्ता से खींच के ऐसे एक लूप बना लूंगी। ओके, और फिर दोबारा से उसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड जो हमारा स्टिच है, मैं थोड़ा और क्लोजअप करके दिखाती हूं। ये देखें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये जो थर्ड है इसमें से हम अपने नीडल को पास करते हैं, इस थ्रेड को इसके ऊपर रखते हैं और टेल वाले थ्रेड को हम यूं इसके ऊपर क्लॉकवाइज रैप करेंगे और अब हम इस स्टिच को खींचेंगे। कितना खींचेंगे हम, ये वाली लूप को रेगुलेट करेंगे कितनी बड़ी चाहिए। ये देखिए, मुझे इतनी बड़ी चाहिए, ये इतनी बड़ी है, इसके बराबर ही हमें ये वाली चाहिए ऐसे। और जब इतनी मेरी रेगुलेट हो जाती है, मैं इसको उंगली में पकड़ लूंगी और इस थ्रेड को अच्छे से खींच लूंगी, तो ये हमारी सेकेंड लूप बन गई। अब थर्ड, 1, 2 एंड 3, और ये थ्रेड आगे टेल वाले थ्रेड से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको खींच लेंगे। अभी हमारी थर्ड पेटल ये वाली है तो हम थर्ड वाली को भी ऐसे ही पकड़ेंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे पकड़ लिया कि इतनी चाहिए मुझे, इससे बड़ी नहीं चाहिए, और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से खींच लूंगी। आई होप आपको अच्छे से पता लग रहा है कि मैं किस तरीके से कर रही हूं, इसीलिए मैं इसको क्लोजअप में दिखा रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1, 1, 2 एंड 3, थर्ड स्टिच में हम नीडल को आर पार करते हैं, थ्रेड को आगे रखते हैं, टेल वाले हिस्से से हम ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं थ्रेड को और इस थ्रेड को खींच लेते हैं। कितना खींचना है ये हमने यहां से देखना है। सबसे पहले हमने इस लूप को मेंटेन करना है कि ये हमें कितनी बड़ी चाहिए, पहले नहीं इसको खींचना हमने। ये देखिए, मैंने इसको यूं पहले इतना रख लिया कि मुझे इतनी चाहिए और उसके बाद इस गांठ को आहिस्ता से खींचूंगी। ये देखिए, ये मेरी 1, 2, 3, 4 बन गई। 3-3 के गैप में जब हम बनाएंगे तो यहां पे 9 हमारी लूप्स बनेंगी, यूं कहें कि 9 पेटल्स बनेंगी। ये देखिए, ये लास्ट पेटल है, इसको भी हम यूं ही ऐसे आगे थ्रेड को करके बनाएंगे और फिर आहिस्ता से हम इसको खींचेंगे ताकि, और फिर हम यूं इसको आहिस्ता से खींच लेंगे। तो देखिए, हमारा फ्लावर बन के रेडी है। इस तरीके से हम पहले सारे फ्लावर्स बना लेंगे जितने भी हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज करने हैं। तो मैंने सारे फ्लावर्स यूं बना के रख लिए हैं। ये देखें, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बना के यूं रखे हुए हैं। अब मैं इनको
अटैच करना सिखाऊंगी, इनको अटैच कैसे करते हैं। जैसा कि ये मैंने निशान लगा रखा है, इस पॉइंट पे मैंने इस फ्लावर को अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले इसे यहाँ पे बैग पे ले जाके टकिंग कर देंगे। हम यूं इसको बैग पे ले जाएंगे और यूं इसको टक कर देंगे। अब सारी जो हमारी पेटल्स बनी है छोटी छोटी सी, इन पेटल्स के साथ हम यूं अपने नीडल को निकालेंगे और इसको रिम के साथ, ये जो हमने रिंग बना रखी है, इस रिंग के साथ अटैच करते जाएंगे। सबसे पहले हम हाफ फ्लावर को यूं ही अटैच कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर से हम नेक्स्ट पेटल लूप में जाएंगे और इसको भी यहां पे टकिंग कर देंगे। तो यूं हम इसको हाफ फ्लावर को सबसे पहले टकिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके बीच में प्लास्टिक मिरर डालेंगे। इस ये जो हमारी पेटल है इसके बीच में से निकालती हूं और यहां पे अटैच कर देती हूं। जब हमारा हाफ फ्लावर अटैच हो जाएगा तो उसके बाद हम इस प्लास्टिक मिरर को, ये देखिए इस साइज का मिरर है, इसको हम इसके अंदर यूं डाल देंगे ऐसे, और फिर से इसको हम टकिंग करेंगे। बाकी के बचे पॉइंट्स अब हम इनको टकिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखिए हमने सारे स्टिचेस लगा लिए और ये हमारा मिरर अटैच हो गया। अब हमने इसके नीचे एक सिंपल स्ट्रेट स्टेम बनानी है और एक पेटल इधर और एक पेटल इधर बनानी है। ये भी हमने इसी थ्रेड के साथ ही बनानी है। 30 इंच का लंबा थ्रेड जो हमने डाला है उससे हमारा ये पूरा मोटिफ जो है, पूरा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। अब हम स्टेम स्टिच करेंगे, 2, 3 एंड 4 स्टिचेस लेंगे और फिर उसके बाद हम एक साइड से इसको निकाल लेंगे और इस तरफ हम एक छोटी सी पेटल लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे। इसको यहां पे टक करेंगे और एक हम पेटल इस तरफ बनाएंगे ऐसे। और इसको बैक पे ले जाके यूं टक कर देंगे, यूं गांठ लगाने के बाद हम सीजर की मदद से इसको ट्रिम कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फ्लावर्स लगा लिए हैं और इनके नीचे एक एक स्टेम डाल के दो दो पेटल्स भी बना लिए हैं। अब ये जो हम लाइन को फिनिश कर रहे हैं इसको हम देखें, सबसे पहले रनिंग स्टिच करेंगे। व्हाइट कलर के थ्रेड से हम इसको रनिंग स्टिच करेंगे। रनिंग स्टिच में हम छोटा सा स्टिच लेते हैं, कोशिश करते हैं कि ऊपर नीचे बराबर स्टिचेस उठाए जाएं। यहां से फिनिश करके हम नेक्स्ट इस पॉइंट से फिर से यूं थ्रेड निकालेंगे और यहां इसको फिनिश कर देंगे। तो ये देखें, ये आउटलाइनिंग बन गई है। अब इसके बाद हम इसके दोनों तरफ तीन तीन पेटल्स ग्रीन कलर के डालेंगे यहां पे। अब हम ग्रीन कलर के थ्रेड के साथ यहां पे पेटल्स बनाएंगे। सिंपल लेजी डेजी स्टिच है, यहां पे टकिंग करेंगे फिर हम इस तरफ एक पेटल बनाएंगे। हमने इसमें बहुत सिंपल स्टिचेस यूज किए हैं ताकि आपको समझना और बनाना इजी हो। इसी तरीके से हम यहां पे थर्ड पेटल भी बना लेंगे। अब देखें, ये हमने
एक एक फ्रेंच नॉट इन दो पेटल्स के बीच में लगाई है और साथ में एक एक स्ट्रेट स्टिच भी लगाया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दोनों पेटल्स के बीच में सबसे पहले एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। बहुत हल्के हाथों से हम इसको खींचेंगे ताकि हमारी जो नॉट है वो बिल्कुल सही ढंग से बने। तीन फ्रेंच नॉट्स बनाने के बाद हम इन पेटल के बीच में एक एक स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, यूं इस तरफ, इस तरफ, यहां और यहां। अब हमने यहां पे भी इसी तरीके से वर्क करना है। तो देखिए ये मोटिफ भी हमारा बनके कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल मोटिफ है, आप देख ही रहे हैं और इफेक्ट आप देख सकते हैं कि इसका कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। तो देखिए आप ऐसा सेम डिजाइन नेकलाइन के दूसरी तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिर्फ एक तरफ ही चाहिए। और ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। ये बहुत सुंदर बॉर्डर लाइन है। ऐसी बॉर्डर लाइन आप अपनी प्लेन शर्ट्स पे भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी कुर्तीज को एम्बेलिश कर सकते हैं, अपने बॉर्डर लाइंस बना सकते हैं और इवन आप वॉल डेकोर्स वगैरह भी इस एम्ब्रॉयडरी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।